खत्म हो रहा है, होने दो। सो गाइस, ये बात तो आपको भी पता होगा कि राइस्टार के चैनल पे पहले जितना व्यूज आते थे अब उतना व्यूज नहीं आते, क्योंकि पहले क्या होता था कि अगर राइस्टार एक वीडियो डाल के टाइटल में गो 5 मिलियन लिखते थे तो कुछ ही महीने में 5 मिलियन कम्प्लीट हो जाता था। लेकिन अब बात कुछ अलग रही, क्योंकि दिन ब दिन राइस्टार का चैनल डाउन होते जा रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि राइस्टार का चैनल डेड हो जाएगा, ये तो इम्पोसिबल है भाई, क्योंकि राइस्टार के जितने फैंस है शायद ही किसी यूट्यूबर के होंगे। और रही बात चैनल डाउन होने की, तो सबका होता है, कभी ऊपर तो कभी नीचे। जैसे कि आप मेरा ही चैनल को ले लो, मेरा भी चैनल कभी डाउन होता है तो कभी ऊपर उड़ता है, ये सब नॉर्मल बात है यार। अगर फिर से राइस्टार पीसी छोड़ के मोबाइल में शिफ्ट हो जाए तो उनका चैनल रॉकेट की तरह दौड़ने लगेगा, क्योंकि राइस्टार काफी सारे मोबाइल प्लेयर के इंस्पिरेशन है। लेकिन फिर भी कुछ लोग है जो राइस्टार को डिमोटिवेट करने की कोशिश करते रहते हैं। सेम वैसे ही उस दिन राइस्टार अपने सेकंड चैनल पे लाइव कर रहे थे, तब उनको एक बंदा बोलता है कि राइस्टार का क्रेज खत्म हो गया। फिर राइस्टार उस बंदे को एकदम चिल होके अपने स्टाइल में रिप्लाई देते हैं, कुछ ये कहते हुए, राइस्टार का क्रेज खत्म हो रहा है, होने दो भाई। ये भाई, ये यूट्यूब पे मैं बताता हूं, कभी भी अप एंड डाउन होते रहते हैं, समझ रहे हो? क्या यार, रोलर चलने रहेगा उसमें तो होता ही है। क्रेज खत्म होता है, ये सब क्या है? मतलब कुछ भी बच्चे हो क्या भाई? जिंदगी ये सब होते रहते हैं। अरे वो बच्चे ही टाइप करते हैं ये, ऐसे कमेंट पढ़ाई मत कर, सिंपल जी, मैं बच्चे ही लगते हैं। क्या नाम इन लोग को पता नहीं ना भाई, मतलब हाँ ये बात तो सच है कि राइस्टार का चैनल अभी के टाइम पे डाउन चल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि राइस्टार का क्रेज खत्म हो गया। अगर राइस्टार कल से हफ्ते में एक भी वीडियो अपलोड करना शुरू कर दे तो उनका चैनल का रीच काफी ज्यादा हाई हो जाएगा और इनको पहले से भी ज्यादा व्यूज मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि राइस्टार अपने चैनल पे काफी ज्यादा इनएक्टिव है, इसीलिए उनको पहले जितना व्यूज नहीं मिलते। अगर राइस्टार के जगह पे कोई छोटा यूट्यूबर होता तो उसका चैनल कब का डेड हो चुका होता, क्योंकि चैनल पे इनएक्टिव होने से चैनल का रीच काफी ज्यादा डाउन हो जाता है। यूट्यूब आपकी वीडियो को रिकमेंड ही नहीं करता, लेकिन राइस्टार का चैनल इसलिए डेड नहीं होता है क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है, हर एक बंदा उनको देखना चाहता है। सो ये तो रही पहली बात। दूसरी बात, अगर राइस्टार फिर से पीसी छोड़ के मोबाइल में शिफ्ट हो जाए तो उनको पहले के मुकाबले काफी ज्यादा व्यूज मिलेंगे एंड उनकी पॉपुलैरिटी गिरने की तो कोई चांस ही नहीं बनती, क्योंकि राइस्टार के ज्यादातर फैंस उनके मोबाइल गेम प्ले के वजह से हुए हैं, ना कि पीसी गेम प्ले के वजह से, एंड इन्हीं में से मैं भी एक हूं। तीसरी बात, अगर राइस्टार इतना जल्दी अपना वॉइस रिवील नहीं करते तो उनकी पॉपुलैरिटी पहले जितना ही बनी रहती, क्योंकि यार जब उन्होंने अपना वॉइस रिवील नहीं किया था तो काफी सारे लोग सोचते थे कि राइस्टार का वॉइस कब रिवील होगा, कैसा होगा उसका वॉइस, ये सभी सोचते रहते थे। लेकिन उन्होंने जैसे अपना वॉइस रिवील कर दिया तो उनकी पॉपुलैरिटी पे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा, अब लोग सोचते हैं कि उसने वॉइस रिवील कर ही दिया है तो फेस रिवील भी कर ही देगा, और साथ से लगता है राइस्टार अपना फेस रिवील भी बहुत जल्दी करने वाले हैं। सो कौन कौन एक्साइटेड है उनका फेस देखने के लिए, कमेंट करके जल्दी से बताओ। गाइस आज के टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं, लेकिन आप लोग मेरी भी बात सुन के जाओ, मैं इतना मेहनत करके वीडियो बनाता हूं लेकिन मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन YouTube किसी को भी नहीं भेजता है, ज्यादा से ज्यादा 1000 बंदे को नोटिफिकेशन भेजता है, उसके बाद YouTube नोटिफिकेशन भेजना ही बंद कर देता है। तो ये बात तो आपको भी पता है कि एक वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगता है, और जब आप इतना मेहनत करके वीडियो बनाओ और YouTube आपकी वीडियो की नोटिफिकेशन ही नहीं भेजेगा तो आपको कैसा फील होगा? तो आप लोग मेरा मेहनत को समझ पाते हो और मुझे हेल्प करना चाहते हो तो प्लीज फिर से चैनल को अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो, बस इतना सा कर दो यार, अनसब्सक्राइब करना है सबसे पहले तो, उसके बाद सब्सक्राइब करके फिर से बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और जितना हो सके उतना शेयर कर देना, आपके जितने भी फ्री फायर खेलने वाले दोस्त हैं उन लोगों के साथ शेयर करो यार इस वीडियो को, क्योंकि आपके एक शेयर करने से मेरा बहुत ही ज्यादा हेल्प हो सकता है, तो जरूर से शेयर कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, आज के लिए इतना रहा, बाय।